हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक लैंप। तो देखिए, काफ़ी टाइम से बच्चों की कमेंट आ रही थी कि हमें स्कूल प्रोजेक्ट में एक लैंप बनाना है, उस लैंप में हमारे को रोशनी कम ज़्यादा हो जाए ऐसा कुछ करके दिखाएं ताकि हम उसकी रोशनी कम ज़्यादा कर लें। तो मैं कहना चाहता हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको लैंप दिखाता हूँ। और ये लैंप दिखाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये बल्ब में जो आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी बड़ा है, तो आपको लेना है एक छोटा सा बल्ब, इससे छोटा वाला, यानी कि ये 200 वाट का, वाट दिख नहीं रहा इसमें, 200 वाट का भी मानो तो आपको 100 वाट का लेना है। और ठीक है, उसके अलावा पहले से उस बल्ब पे पन्नी लगानी है एक, आप जैसी पन्नी चाहो, लाल, पीली, हरी, नीली, आपके हिसाब से एक पन्नी लगानी है। उसके बाद में आपको क्या लेना है, एक पंखे का या कूलर का रेगुलेटर आता है, चाहे ऐसा ले लें या ऐसा ले लें या सस्ता वाला ले लें, कोई सा भी। अब मैं तो एक स्टेप, ये डायरेक्ट वाला है, ये वॉल्यूम वाला और ये स्टेप वाला, तो फिलहाल मैं आपको स्टेप वाला लगा के दिखाऊंगा, जो टिक टिक बोलता है घुमाने पे, तो ये लगा के दिखाऊंगा। तो और आपको इसके बाद में लेना है एक होल्डर और थोड़ा सा वायर लेना है, वायर तो आपको इन सबको कनेक्ट करना है ताकि बल्ब की रोशनी अप डाउन हो सके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होल्डर है, इसमें वायर में पहले से लगे हुए हैं, बाकी आप वायर डायरेक्ट ही लगा सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये दो मेन वायर हैं, दो मेन वायर हैं, इसको एक तो डायरेक्ट जोड़ना है, होल्डर के डायरेक्ट लगाना है, एक लग गया डायरेक्ट, बस वही टेप मारनी है ताकि करंट वगैरह ना लगे, बस वही टेप मार देंगे। टेप चिपक गई, निकल नहीं रही है, टेप मारनी है हमें। तो एक तरफ इसके टेप लगा देनी है, दूसरी तरफ भी लगानी है टेप, तो वायर कोई से भी खुले नहीं रखने अपने को, टेप खराब होगी, काफी टाइम हो गया। तो और दूसरी ओर हमें क्या करना है, ये जो रेगुलेटर है इसको हमें, ये दो वायर है, सीरीज में लगाना है। तो आप देखिए, ये रेगुलेटर है, इसको हमें लगाना है सीरीज में, इसमें भी हमें लगाना है टेप, लगाना है दोनों साइडों पे ताकि करंट ना लगे। और इस होल्डर को आप कैसे भी कहीं भी लगा सकते हैं ताकि ये आपके प्रोजेक्ट में जिस हिसाब से आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको रोशनी कम ज्यादा करना दिखा रहा हूं। टेप खराब होगी, मेरी प्रॉब्लम आ रही थोड़ी, ये इसके भी दोनों साइडों में टेप लग जाएगी, इलेक्ट्रिक टेप लगती है इसमें, दूसरी टेप ना लगाएं। दोनों प्लस माइनस के ये टेप लगा चुके हैं हम, प्लस माइनस तो नहीं है ये, क्योंकि ये सीरीज में ही लगाया है मैंने, सिर्फ ये प्लस ही मान लो इसको आप। और अब हमें क्या करना है, इस बल्ब को इस होल्डर में लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो मेन वायर है इसको हम लगाएंगे, सप्लाई देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी, जलानी है, एक मिनट रेगुलेटर से करके देखते हैं। देखिए आप, थोड़ा सा जला है ये, अब जैसा कि आपने बताया था हमें रोशनी कम ज्यादा करनी है, उस हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं।
सारे बच्चे सुन ले जो जो कमेंट करते हैं, उनको दिखा रहा हूं मैं कि रोशनी कम ज्यादा, ये तो कम है, सबसे लास्ट है रोशनी, अब इसके बाद में और बढ़ाऊंगा मैं रोशनी को, इसके बाद में सेकंड है ये, इतनी रोशनी हो गई। इसके बाद में एक स्टेप और बढ़ाऊंगा, ये देखिए ये हो जाती है शायद फुल रोशनी है, आगे तो इसमें रेगुलेटर जा नहीं रहा, वापस कम करते हैं रोशनी को, देखिए ये लास्ट है। इस प्रकार आप रोशनी को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये तो स्टेप वाला रेगुलेटर है, अगर दूसरा रेगुलेटर लगाएंगे हम ऐसा वाला लगाएंगे तो आप इसमें और भी एडजस्ट हो जाएगी रोशनी, आपके जरूरत के हिसाब से रोशनी अप डाउन हो जाएगी इसमें, इस वाले रेगुलेटर में, क्योंकि ये मेरे पास खराब है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बाकी उस वाले में नया लाओगे आप ऐसा वाला तो उसमें आपके हिसाब से ज्यादा कम रोशनी हो जाएगी। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।